स्टूडेंट, तो आज हम मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप सभी को पता है महाराष्ट्र जो शालेय पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यासक्रम था उसके तहत कोरोना की वजह से मैथमेटिक्स का कुछ सिलेबस कम हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने 25% जो है सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड लेसन है मैथमेटिक्स पार्ट वन का, उसका कौन सा पार्ट कम हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट लेसन पर आते हैं। फर्स्ट लेसन, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर देखिए, ये पहला पेज पूरी तरह से रखा गया है, पहले पेज में कुछ भी कम नहीं किया गया है क्योंकि ये शुरुआत बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे पेज पर। अब देखो दूसरे पेज पर क्या होता है, दूसरे पेज पे आपको ये एग्जाम्पल वन दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल वन पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर तीन पर, पेज नंबर तीन पर देखेंगे तो ये एग्जाम्पल टू कैंसिल कर दिया गया है। अब एग्जाम्पल टू कैंसिल कर दिया गया है लेकिन एग्जाम्पल थ्री है, एग्जाम्पल थ्री को क्रॉस नहीं करना है, एग्जाम्पल टू और एग्जाम्पल वन को हमें क्रॉस करना है। एग्जाम्पल थ्री को रखा गया है। इसके बाद हम पेज नंबर फोर पर आते हैं। पेज नंबर फोर पर देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये जो एक्टिविटी दी गई है उसे महाराष्ट्र सरकार ने पाठ्य पुस्तक में से इसको रिड्यूस किया गया है और ये एक्टिविटी तो कैंसिल कर दी। इसके अलावा ये क्वेश्चन सेकंड जो है, क्वेश्चन सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिए गए। मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे, बाकी ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर, इसके बाद डायरेक्ट हमको पेज नंबर 16 पर आना है। पेज नंबर 16 पर देखिए ये एक्टिविटी दी गई है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल की इस एक्टिविटी को भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 17 पर अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर 17 ये पूरा क्रॉस कर दिया गया है, मतलब इसमें से कुछ भी हमको इस साल नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि सिर्फ ये इस साल के लिए टेक्स्ट बुक से पोर्शन को रिड्यूस किया जाएगा, अगले साल जो न्यू बैचेस रहेगी उसको पूरी टेक्स्ट बुक रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 17 को क्रॉस करने के बाद पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 को भी पूरी तरह से क्रॉस किया गया है। पेज नंबर 19 को भी पूरा क्रॉस किया गया है, मतलब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। मतलब जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस सेट 1.4 डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए राहत की बात है कि इस प्रैक्टिस सेट 1.4 को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम आते हैं पेज नंबर, पेज नंबर 39 भी पूरा कैंसिल हो गया है, मतलब इस
पता चलता है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड को पूरी तरह से हटाया गया है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा। उसके बाद पेज नंबर आगे का जो पेज नंबर है डायरेक्ट हमको आना है 42। ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप टेक्स्ट बुक में से देखेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन को हटाया गया है। और उसके बाद पेज नंबर 2.4 में जो है ये छोटा सा एक्टिविटी आपको दिख रहा है, ये पूरे बॉक्स को हटा दिया गया है और 2.4 एक्सरसाइज पूरी तरह से है यहाँ पर, उसको कैंसिल नहीं किया गया है, 2.4 रहेगा। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे हम देखेंगे तो पेज नंबर 46 है। पेज नंबर 46 को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 47 जो है, पेज नंबर 47 को भी पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.5 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2.5 में यहाँ तीन एक्टिविटी आपको दी गई है, तो इन तीन एक्टिविटी में से ये तीसरी जो छोटी एक्टिविटी दिख रही है ये अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक छोटी सी एक्टिविटी को कैंसिल कर दिया गया है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट 2.5 में हम फिर पीछे के पेज नंबर पर आते हैं, पेज नंबर 50, वहां पर फिफ्थ और सिक्स स्टार वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उसको क्रॉस कर दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 53 डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट पर। प्रॉब्लम सेट पे एमसीक्यूज है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ रूट्स -5। इस एमसीक्यूज को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद प्रॉब्लम सेट 2 का जो लास्ट पेज है मतलब 54, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको कैंसिल कर दिया गया है। इस तरह ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो कि हमारे लगभग हो चुके हैं, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों चैप्टर में से इन क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया है। आगे के जो चैप्टर में से क्या काम हो गया है मैं ये आगे के वीडियो में आपको